हम बात कर रहे हैं बेसिक टाइप ऑफ मूवमेंट पैटर्न्स की इसमें हमने बात की स्कॉट की बात की लंच की बात की कि स्कॉट में किस तरीके से आप हाफ अंदाज में बैठते हैं जैसे कि चेयर में बैठा जाता है और लंच जब आप करते हैं आगे एक टांग को बेंड करके दूसरी टांग को स्टेशनरी रख के आप बैक से बैकवर्ड फॉरवर्ड या लेटर पोजीशन में आप किसी तरीके से लंच करना चाहें या कोई एक्टिविटी करना चाहें Now we are going towards the basic movement pattern that is called push. तो push की अगर बात करें तो push a pushing exercise require pushing external weight away from your body and your center of mass away from the ground. कि आप किसी चीज़ को अपने जिसम से आगे धकेलना जो है उसको हम push कहते हैं आप किसी चीज़ को धकेलें तो उसके लिए हम word push का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि अगर आप देखें तो पुश अप्स जो लगाई जाती हैं ज़मीन को आप पुश करते हैं और अपना बॉडी जो है अपना ज़मीन से उठाते हैं फ्लोर से तो उसके लिए हम वर्ड पुश अप्स का करते हैं सो पुशिंग योर सेल्फ ऑफ दी ग्राउंड टू गेट अप और द पुशिंग अ टूल बॉक्स ओवर हैड टू पुट इट अवे इन अ कैबिनेट कि आप अगर किसी चीज़ को उठा के तो आप उसको कैबिनेट में रखना चाहें अपनी कबर्ड में या किसी स्टैंड के ऊपर तो वो भी एक तरीके का पुश का अमल होता है सो आर बोथ पुशिंग मूवमेंट यूज इन आवर डेली लाइफ देर आर टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ पुशिंग मूवमेंट पुशिंग की अगर बात करें तो पुशिंग भी दो तरीके से होती है एक को हम कहते हैं कि वर्टिकल पुशिंग है और एक को हरीजेंटल पुशिंग का नाम देते हैं सो so, सबसे पहले अगर हम देखें व्हाट इज़ हॉरीजेंटल पुशिंग तो अगर जिस तरीके से हम कहते हैं कि दो एक्सिस हैं एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस वाली पुशिंग को हम कहेंगे कि दैट इज़ कॉल्ड हॉरीजेंटल पुशिंग तो हॉरीजेंटल पुश मेंटल पुश इज़ पुशिंग अ वेट अवे फ्राम योर हॉरीजेंटल लाइक एंड डम्बल प्रेस चेस्ट प्रेस एज यू ले बैक ऑन द बेंच कि बाजार अगर आप देखें कि जो अगर आप जिम में गए हैं तो अगर आप बेंच के ऊपर लेट के डम्बल्स के साथ आप प्रेस करें तो उसके लिए हम कहते हैं कि ये हॉरीजेंटल पुशिंग ऑफ डम्बल प्रेस है या आप डम्बल का इस्तेमाल करते हुए हॉरिजेंटल पुश मूवमेंट के साथ अपने चेस्ट के मसल्स डेवलप कर रहे होते हैं इसी तरीके से एक और पुश की आ, टाइप है उसके लिए हम वर्ड वर्टिकल पुश का यूज़ करते हैं तो वर्टिकल पुश इज़ अ पुश इज़ अ डम्बल शोल्डर प्रेस वेयर यू प्रेस डम्बल्स वर्टिकली ओवर योर हैड कि ये इसमें ये वो वाली एक्सरसाइज अगर आप देखें तो अगर जिम्स में अगर लोग कर रहे होते हैं तो स्टूल के ऊपर बैठ के आप या चेयर के ऊपर उसे उसके ऊपर बेंच के ऊपर बैठ के आप डंबल्स को लेके अपने शोल्डर्स पे रख के इसको ऊपर की तरफ पुश करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड डंबल प्रेस फॉर वर्किंग ऑफ शोल्डर मसल सो ए वर्टिकल प्रेस योर शोल्डर मसल वाइल एंगेजिंग द बैक ऑफ द आर्म जिसको कि हम ट्राइसेप कहते हैं वाइल ए हॉरिजेंटल प्रेस एम्फेस द चेस्ट कि अगर हॉरीजेंटल पुशिंग करेंगे तो वो आपके चेस्ट के मसल डेवलप हो रहे होते हैं अगर ये आप इस तरीके से जिसको कि हम कहते हैं हॉरीजेंटल पुश है और अगर हम वर्टिकल पुश करेंगे तो इसमें आपके शोल्डर्स के मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं तो दोनों में आपके डिफरेंट मसल्स की जो है वो स्ट्रेंथ डिवेल्प हो रही होती है और डिफरेंट मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं वाइल एंगेजिंग द शोल्डर एंड द बैक ऑफ द आर्म और अगर इसमें अगर आप जब आप शोल्डर के मसल्स को आप इन्वॉल्व करते हैं जिसको कि हम वर्टिकल पुश का नाम देते हैं तो उसमें आपकी बैक साइड ऑफ आर्म के जो मसल्स हैं जिनको कि हम ट्राइसेप बोलते हैं या दूसरे महीनों में अगर हम उसी मसल में अगर ट्राइसेप का एगानस्ट बात करें तो उसमें हम ये बाइसेप की बैक साइड का मसल जो होता है वो ट्राइसेप का है तो जब आप इसके वर्टिकल पुश में जो आप शोल्डर में डंबल्स का इस्तेमाल करते हैं उसमें आपके ट्राइसेप की भी फ़ोर्स यूज़ हो रही होती है और शोल्डर्स की भी फोर्स यूज़ हो रही होती है और ये वाले मसल डेवलप करने के लिए आप ये वाली अगर एक्सरसाइज बच्चों को करवाएं तो इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शोल्डर मसल वैदर वेदर दे आर इंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल मसल्स ऑफ शोल्डर तो ये तीनों मसल्स के लिए हेल्पफुल होती है जब आप शोल्डर के मसल्स की करते हैं और इसी तरीके से अगर आप हॉरीजेंटल पुश में अगर आप करते हैं तो मेजर पेक्टोरल्स या दूसरे महीनों में चेस्ट मसल्स की डेवलपमेंट के लिए वो वाले पुश जो हैं पुश का पैटर्न ऑफ मूवमेंट जो है हॉरीजेंटल पुश वो काम देता है